सो गाइस कैसे हो सब आप। एंड आज हम लोग बात करने वाले विच इज द बेस्ट कोरियर ऐप फॉर ड्राइवर्स अर्निंग, और जिसमें तीन ऐप मोस्टली यूज होते हैं, वो इंट्रा कोरियर है, पोर्टर है, एंड उसके बाद से उबर कनेक्ट है। पर इसके तीनों के जो यूजर्स एंड कस्टमर के वो अलग अलग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडाइव। इंडाइव पे आप राइड ले भी सकते हैं, कोरियर भी डिलीवर कर सकते हैं। पर राइड कौन लोग यूज करते हैं, तो इंड्राइव जो यूज होता है वो मोस्टली जो यूज करते हैं वो रेसिडेंशियल लोग ज्यादा यूज करते हैं, मतलब छोटे मोटे सामान के लिए, एंड घर के लिए लोग यूज करते हैं। बट करते हैं इसके रेट के बारे में। तो इंड्राइव पे जो पहले हमें रेट मिलता था कोरियर डिलीवर अप्रोक्स 9 रुपए का मिलता था, ठीक है। बट अभी उन्होंने यार 2 दिनों से रेट कम कर दिया, मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा, अप्रोक्स 7 रुपए कर दिया। मतलब जो राइड्स का पैसा है ना वो आप कोरियर में दे रहे हैं। डिलीवरी का जो रेट हो रहा था वो अप्रोक्स 7 रुपए का था, मतलब 8 किलोमीटर की डिलीवरी का मतलब 56 आ रहा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, ये तो राइड का पैसा मिल रहा है, तो फिर अगर राइड और कोरियर का अगर फेयर सेम हो जाएगा तो कौन करेगा। वही हमें पोर्टर पे जो है अप्रोक्स 10 रुपए मिलता है यार। इंडाइव में क्या होता है ना, फेयर फिक्स होता है, इसमें अगर आप ज्यादा चलो कम चलो फेयर उतना ही मिलेगा जितने में कस्टमर ने बुक किया था। तो ये चीज यार अच्छा नहीं लगता कि अगर आप ट्रैफिक डाइवर्जन है, आप अगर आप थोड़ा घूम के जा रहे हो तो फेयर आपको अपडेटेड फेयर नहीं मिलेगा, जो कस्टमर ने बुक किया था उसी पर इसमें सर्च भी नहीं मिलता यार। इस वजह से अभी इंड्राइव ना यार नहीं करने के बराबर है यार, क्योंकि इंड्राइव में पहले इसलिए लोग करते थे कि यार जो डिलीवर कोरियर एंड जो राइड्स के रेट है उसमें डिफरेंसेस थे। मतलब यार राइड्स पे अप्रोक्स 5.5-6 रुपए मिलता था, एंड उसके बाद से जो कोरियर से था उसमें अप्रोक्स 9 रुपए में मिलता था, 1 रुपया वो कमीशन लेता था 10%, और हमें 8 रुपए मिल जाता था। बट अभी उन्होंने रेट जो है बराबर कर दिया, ठीक है। सो अब बात करते हैं पोर्टर की। पोर्टर कौन लोग यूज करते हैं, जो पोर्टर यूज करने वाले जो लोग हैं वो कमर्शियल पर्पज से ज्यादा होता है इसको, मतलब यार रेजिडेंशियल लोग कम यूज करते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल जो लोग होते हैं, जो घर वाले लोग होते हैं, वो लोग यार राइट्स पे भी अपना डिलीवरी भेज देते हैं, तो उनको पोर्टर की जरूरत नहीं है। पोर्टर जो बेसिकली यूज होता है वो कमर्शियल पर्पज से ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो लिमिटेशन है वो 20 kg तक है। तो पोर्टर का जो रेट है अप्रोक्स 10 रुपए, बट जो उसमें 1 रुपए उसका कमीशन होता है पर किलोमीटर, एंड ड्राइवर्स की जो अर्निंग होती है 9 रुपए पर किलोमीटर। पोर्टर की एक अच्छी बात यह है कि पोर्टर में जो फेयर एडजस्टमेंट होता है, अगर आप ज्यादा चलते हो, ठीक है, एंड वेटिंग चार्जेस भी मिलता है, तो इस वजह से यार पोर्टर अच्छा है डिलीवरी के लिए। पर जो लोग कोरियर करना चाहते हैं उनके लिए पोर्टर बेस्ट है। पर पोर्टर का निगेटिव पॉइंट ये है कि यार अगर पोर्टर आपको ज्वाइन करना है तो आपको बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अदर्स जो ऐप है उसमें बाइक इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है, पर पोर्टर में बाइक इंश्योरेंस भी मांगते हैं। सेकेंड चीज क्या, वो अगर आप लखनऊ में बाइक चलाना चाहते हो तो लखनऊ के ही डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, लखनऊ की ही बाइक होनी चाहिए यार। बट अदर ऐप में ऐसा नहीं है, पोर्टर ज्वाइन करने के लिए आपको 200 रुपया देना पड़ता है। बट ये चीज यार अच्छा नहीं है कि मैं आपका काम कर रहा हूँ और आप ही को ज्वाइन करने के लिए मुझे 200 रुपया कमीशन देना पड़ रहा है, जो एक अच्छी बात नहीं है। एंड अब थर्ड बात करते हैं उबर कनेक्ट पर। तो उबर कनेक्ट पे मैंने कुछ राइडें किया हुआ, बट उसमें मेरे को राइड्स एंड कोरियर्स में उबर कनेक्ट में कोई डिफरेंसेस नहीं मिले हैं रेट को लेकर यार, क्योंकि वो लोग भी जो यूज करते हैं वो रेसिडेंशियल लोग ही यूज करते हैं, जो अपने छोटे मोटे सामान को भेजने के लिए करते हैं, ये कमर्शियल पर्पज से यूज नहीं होता यार। कमर्शियल पर्पज से यूज के लिए सिर्फ पोर्टर है अभी जो लखनऊ में मोस्टली कॉमन यूज हो रहा है यार। तो उबर कनेक्ट में बहुत कम मतलब राइड्स आती है, और मैंने आज तक यार बहुत कम राइडें मैंने देखी यार, मतलब 10% ही आती है यार। कोरियर करना है तो आप पोर्टर करो, क्योंकि उबर कनेक्ट का जो रेट है वो राइड्स के बराबर है, अप्रोक्स 7 रुपये 7.5 रुपये यार। तो अभी क्या फ़ायदा उबर कनेक्ट करने का। तो यार राइडें आती भी है मेरे पास, तो देखता हूँ कि हाँ चलो अभी कर लेते हैं, अच्छी है तो फिर मैं उसको एक्सेप्ट करना, मैंने मोस्टली मैं उसको पास ही कर देता है यार। तो ये तीनों में बेसिक डिफरेंसेस है यार कि इंड्राइव एंड उबर जो मोस्टली यूज होता है वो रेजिडेंशियल लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उस पर आप राइड भी बुक कर सकते हो, कस्टमर के लिए अच्छा है कि राइड भी बुक कर सकता है, उस पर डिलीवरी भी कर सकता है। बट यार पोर्टर में क्या होता है, उसमें सिर्फ आप कोरियर ही डिलीवर कर सकते हो, मतलब इसके लिए कमर्शियल वाले लोग ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वो उसी के लिए बनाया ही गया था, इस पर आप राइड नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ यार, अगर आप कोरियर करना चाहते हो तो इसका रेट भी अच्छा है, तो आप उसके लिए पोर्टर के लिए जाओ। रेट इसका इंड्राइव का अच्छा था, मतलब 9 रुपया दे रहा था, 1 रुपया पर किलोमीटर वो खा रहा था, मतलब 10% तो वही हुआ, ठीक है। बट अभी उसने ना रेट कम कर दिया, पता नहीं वो क्या ग्लीस था क्या इशू था, उसके बारे में देखना पड़ेगा। बट मैं आप लोग भी लगता है कि इंड्राइव ने अपना जो रेट है कोरियर कम कर दिया, तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड उबर भी आपने अगर किया हुआ कनेक्ट तो आप भी उसका रेट बता देना। मैंने जो किया हुआ यार अभी कुछ दिन पहले किया था, तो मुझे रेट जो मिला था यार वो राइड्स के बराबर मिला था यार। और इंड्राइव पोर्टर की बात करें तो पोर्टर का रेट आप लोगों को मालूम है कि पोर्टर बेस्ट है, सब लोग कहते हैं। बट उसमें ये चीज़ें ना यार, एक साथ 5 लोगों के पास बुकिंग जाती है, जो पहले एक्सेप्ट कर ले स्क्रीन को तोड़ दे उसी को राइड एक्सेप्ट होती है। अब बड़ी राइडें बहुत लोग कहते हैं ना राइडर्स जो कि बड़ी राइडें जल्दी मिलती ही नहीं है, एंड उसमें कुछ लोग कहते हैं कि इसका प्रीमियम लेना पड़ता है पोर्टर में, कि आपके पास राइड पहले है औरों से। तो यार ये चीज़ क्या है यार कि आपको राइड्स के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। तो यार अभी मतलब मैंने राइडर्स का कुछ मेरे पास फीडबैक आया, तो उन्होंने बताया कि पोर्टर में ऐसी चीज़ें हैं सर, ठीक
ठीक है, कि आपको प्रीमियम लेना पड़ता है, राइड आपके पास सबसे पहले आया, तो पोर्टर आपने राइडर के बीच में ही ना वो करा रहा है यार, तो लड़ाई करा रहा है। तो बस यही चीज़ यार, सबके ना अपने अपने पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स है यार, कोई किसी के लिए अच्छा है, कोई किसी के लिए अच्छा है यार। बट मैं कहता हूँ ये वीडियो जो होने वाली थी कोरियर, तो बेस्ट कोरियर जो ऐप है वो पोर्टर है, ठीक है। उसका रेट अच्छा है, फेयर एडजस्टमेंट होता है, बहुत चीज़ें अच्छी हैं, बट उसमें कुछ डॉक्यूमेंट का इशू होता है, ठीक है, कि प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इंडाइव है उबर में ऐसा नहीं है, बट इनका रेट कम हो गया है, ठीक है, पहले इनका रेट अच्छा था। सो बस नहीं यार, मेरा मोटिव यही है यार, आप लोगों को बताना कि बेस्ट कुरियर डिलीवर ऐप कौन सा है। तो आप लोग होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा, तो बस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इस वीडियो को अपने और ड्राइवर्स के शेयर कर देना, जैसे भी करना है शेयर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नए वीडियो।